हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो एपीएस चलाते हैं उनको ये डर है कि जो जैसे जो लोग 1 लाख से डेली का ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो महीने का 3 करोड़ 65 लाख हो जा रहा है, तो उन लोग का ये डर है कि वो लोग जो है कैसे टीडीएस पे करेंगे और टीडीएस से कैसा बचा जाए। तो इसका जो सलूशन है वो जो है पेनियर बाई लेके चली आई है, और अब आपको जो है टीडीएस नहीं देना होगा। टीडीएस का कोई फंडा नहीं है, जो गवर्नमेंट ने 2% लगाया है वो पेनियर बाई द्वारा नहीं दिया जाएगा। जो रिटेलर पेनियर बाई चलाते हैं उनको 2% टीडीएस नहीं देना है। तो मैं चलो आपको बताता हूँ कि आपको जो है कैसे कौन सा प्रोसेस करना होगा कि आपका 2% टीडीएस ना कटे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको वेब पोर्टल में लॉग इन करना होगा, जो कि यहाँ पे इंटरफेस खुला है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वेब पोर्टल पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद में आपको जाना है, देखिए इस तरह से आपका लॉग इन पेज, जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको जो है पेनियर बाई द्वारा जो है एक लेटर प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि आपको वो लेटर डाउनलोड करके और अपने जहां आपका अकाउंट है ना उस बैंक में आपको वो लेटर ले जाके जमा करना होगा। तो हम लोग लेटर कहाँ से ज्वाइन करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसका क्या करना है, मैं आपको कैसे बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ देखिए डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड ऑप्शन में जाके एकदम नीचे आइएगा, लिखा होगा 194 टीडीएस एक्सप्लेनेशन लेटर, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ डाउनलोड पीडीएफ है, यहाँ जो है आप क्लिक करिए, आपका एक फॉर्म डाउनलोड होगा। अभी डाउनलोड हो रहा है मेरा फॉर्म, तो ये जो है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा फॉर्म डाउनलोड हो गया। तो आपको करना क्या है, ये फॉर्म डाउनलोड करके देखिए यहाँ लिखा है बैंक नेम, जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ तो आ जाएगा, लेकिन ब्रांच मैनेजर जिस मतलब जो आपका ब्रांच का नाम है यहाँ आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद में ये आपका नाम, पैन नंबर और अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आएगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बैंक जिस नाम से आईडी है, ठीक है ना, उसी उसी का ही अकाउंट अपने पेनियर बाय रिटेलर में अटैच करें, जिससे आपको कंटिन्यू हमेशा लेन देन करना है, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ कितना भी करेंगे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है, जिसकी आईडी है उसका अकाउंट होना चाहिए, और जो है करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। ठीक है ना, तो जिसकी आईडी है उसी का अकाउंट होना चाहिए। ये फॉर्म फिलअप करके डाउनलोड करके और उसके बाद में अपने ब्रांच मैनेजर को ले जाके जमा करना होगा। फिर क्या होगा कि आपका जो ब्रांच मैनेजर है वो आपके अकाउंट का स्कीम कोड चेंज कर देंगे, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये रहा, पेनियर बाई ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है, किसी भी रिटेलर का अब टीडीएस नहीं कटेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और आप लोग अच्छे से काम करिए और अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत से लोग डरे हुए थे, हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब पेनियर भाई ने इसका जवाब दे दिया है, और अब आप लोग ये लेटर जमा करके आराम से आप लोग काम करें।